सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले देखो जरा सिमेट्रिक, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक। तो नंबर वन ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई है ए आई जे इज सेट टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल ए। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखो जरा, इसका जैसे हम ले लें ए बी सी डायगोनल एलिमेंट हमने ले लिया ए बी सी और यहाँ ले रहे हैं 1 2 3 और यहाँ भी देखो जरा 1 2 3 ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। ये मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव करना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल दिस। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 थ्री रोज थ्री कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 3 by 3। यस प्लीज पे अटेंशन, लेट ए इक्वल, इसे हमने क्या मान लिया बेटे? ए मान लिया। देयरफॉर ए डैश क्या निकलेगा भाई? ए डैश का मतलब क्या हुआ? इसके रो को कॉलम बना दो, बना दो ए 3 2 और क्या होगा 3 b 1 करेक्ट, और क्या होगा 2 1 c। जरा इसमें कोई फर्क है? जरा देखो 3 b 1 2 1 c क्लियर सेम है ना? तो हियर वी सी दैट हियर बी सी दैट ए डैश इक्वल ए। That implies the given matrix A is a symmetric matrix. Symmetric को हिंदी में क्या कहते हैं? सममित। Symmetric matrix. क्लियर हो? अब जरा दूसरी डेफिनेशन, हम यहां बता देते हैं शॉर्ट में, अपना खुद लिखना। डियर स्टूडेंट यू मे राइट योर सेल्फ। आई एक्सप्लेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल माइनस। इसमें कंडीशन क्या होती है बेटा? ए डैश इक्वल, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो निगेटिव में आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ में, और यहाँ पे ट्रांसपोज वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है। क्लियर? तो ये भी अब इसके लिए एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, टाइम देखना बेटा, एग्जाम्पल दे दे बस छोड़ दे। देखो जरा एग्जाम्पल फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसका एग्जांपल लेट ए इक्वल, जरा इसकी सेमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल 0-0 होता है, इसे आप लोग याद रखोगे। और इधर आपका 1, 2 और 3, और इधर वही होगा, जरा होगा वही, जरा ध्यान रखना 1, -2 और -3, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका वो निकालो बेटा, देयरफॉर ए डैश क्या होगा, चेंज रो टू कॉलम, रो को किसमें चेंज करना है, कॉलम। तो जरा देखो अब ये आपका आ जाएगा 0, 3, 2, -3, 0, 1 और कितना होगा बेटा -2, -1, 0। रो टू कॉलम कर दिया, रो टू कॉलम करने से हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो जरा माइनस साइन से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो माइनस साइन हम लाएंगे कहाँ से, हमारे पास यहाँ प्लस है, क्लियर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक माइनस बाहर रहेगा, क्योंकि आप जानते हो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे है तो प्लस, तो फिर क्या होगा, एक माइनस को अंदर जाने दो, अंदर जैसे ही ले जाओगे बेटा तो सारे साइन बदल जाएंगे, 3, 2, -3, 0, 1, -2 और बोलो बेटा -1, -1, 0। अब जरा हमारे ख्याल से देखो, अब जो ये लिखा है वही ये लिखा है, देख लो अब, ठीक है। तो दैट इक्वल माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए डैश इक्वल माइनस है देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स असममित, ठीक है ना। आप देखो सममित भी बता दिया, और सममित जब होता है तो ए डैश बराबर ए आता है, और जरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए डैश इक्वल। तो एस डब्ल्यू आपका ये है, लर्न दीज कंसेप्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। ओके, थैंक्स।